ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। एक बार फिर देश में अशांति फैलाने के लिए खालिस्तानी आतंकी फिराक में हैं और इनकी मदद कर रही है पाकिस्तान की आईएसआई। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थित आतंकियों और आईएसआई के बीच बैठक हुई है, जिसमें भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया है। इस मीटिंग में ये भी तय किया गया है कि पंजाब के रास्ते हथियार स्मगल करके जम्मू कश्मीर और पंजाब में भेजकर आतंक फैलाया जाए। खुफिया एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक पाकिस्तान के प्लान K2 के तहत इस तरीके को गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा है। यही नहीं, खुफिया एजेंसियों को इस बात का शक है कि पंजाब में आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान के जरिए हथियारों की सप्लाई की कोशिश को तेज किया जा रहा है। इसमें आतंकी गुट बब्बर खालसा और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स पाकिस्तानी हैंडलर के जरिए हथियारों की पंजाब में स्मगलिंग की कोशिश में जुटे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक राजस्थान और हरियाणा में भी खालिस्तान समर्थित गुटों की मूवमेंट देखी गई है। खुफिया इनपुट के बाद सरकार ने BSF, NIA, रॉ और IB से खालिस्तान समर्थित आतंकियों से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है। वही पंजाब से सटे पाकिस्तान सीमा के पास आसपास सक्रिय स्मगलर पर निगरानी बढ़ा दी गई है, जिससे हथियारों की स्मगलिंग की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों के बारे में भी जानकारी जुटाने में लगी है, जहां खालिस्तानी समर्थित आतंकियों को भारत पर हमले करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ड्रोन से हथियार भेजने की चाल में नाकाम हो रहा पाकिस्तान अब पंजाब में धुन का सहारा लेते हुए हथियारों की स्मगलिंग कराने की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली उसके बाद से बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को इस बात के लिए अलर्ट किया गया कि किसी भी तरीके की गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाए। बॉर्डर गार्डिंग फोर्स BSF की तरफ से चप्पे चप्पे पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। यही नहीं, आने वाले दिनों में केंद्र सरकार का यह भी प्लान है कि जिन इलाकों में बॉर्डर का फायदा उठाकर स्मगलिंग पाकिस्तान करवाता है, उन इलाकों की दोबारा मैपिंग कर वहां की छानबीन के लिए अलग से एक टीम तैयार की जाए, जो किसी भी स्तर पर स्मगलिंग को होने से रोक सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।